यानी कि रात को छोड़ के कभी भी आ सकते हो दर्शन करने के लिए, ऐसा नहीं कि आज नहीं जा सकते कल नहीं, कभी भी। और ऐसे सेम टू सेम चौरागढ़ महादेव में अब वहाँ भी कभी भी जा सकते हो नाइट को छोड़ के। तो सतपुड़ा का जंगल है तो मेक श्योर सेफ्टी इज द मेन प्रायोरिटी, ज़्यादा रात तक कोई भी जगह पे आपको नहीं रुकना है। और भाई साहब ये देखो कुछ इस टाइप का आपको जटाशंकर का टनल मिलेगा, तो काफ़ी सेफ्टी से चलना है। ज़्यादा जब यात्रा में भीड़ रहेगी तो आपको धक्का मुक्की यहाँ बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटी मिलेगी। तो अब अपन आ चुके हैं इस टनल में, गुफा में, और आगे बढ़ते हैं, चेक इट आउट। ओके गाइस, तो जटाशंकर महादेव का ये टनल है, अपन इस गुफा के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्रवेश द्वार जटाशंकर गुफा, और चलो ना। हाँ ओके, तो यहाँ पर भी आपको धक्का मुक्की नहीं करना है, यात्रा में काफ़ी भयंकर ज़्यादा वेट रहती है, यानी कि भीड़ रहती है। ओके गाइस, तो जटाशंकर महादेव पचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। अब पूरे तरीके से मैं इस टनल में, पहाड़ी में, गुफा में आ चुका हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर ध्यान से देखो एक गॉड टाइप का हिल्स दिख रहा है, यानी पहाड़, ऐसा लगता है कि कोई शेष नाग के समान दिख रहा है आपको, ऐसे समथिंग लाइक दिस। देखो अब इस शेषनाग की जो आकृति का जो स्टेचू है, इस अंदर अपन घुस रहे हैं, ऐसा माना गया है, ये दिख रहा है आपको, जैसे कि देखो जटाशंकर पचमढ़ी में। और ये ही जो आपको यहाँ सामने दिख रही है, ये मेन नेचुरल शिवलिंग स्टेचू महादेव जी की, कई सारी अद्भुत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, मैं दिखाता हूँ। और अपने भाई आज हेल्प करेंगे टार्च के लिए, थोड़ा सा मैं जैसे ही उतरता हूँ, ये है वो महादेव शिव जी की जटाई, समथिंग लाइक दिस, ओ माय गॉड। तो ये है वो जटाई, और यहाँ पर आपको थोड़ा झुक के चलना है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, लाइट काफ़ी अंधेरा है, लेकिन आपको यात्रा में थोड़ी लाइट की फैसिलिटी मिल जाएगी। और ये है वो अपने महादेव शिव शंभु की जटाई, जो कि यहाँ महादेव जी ने त्याग किया था। काफ़ी सारे यात्री हैं जो अपन कवर करते करते जाएंगे, आप चलते हैं थोड़ा नीचे। यही तो है वो महादेव राजा की अद्भुत प्राकृतिक गुफा, जटाशंकरा, जटाधारी, महाकाल, महादेव। कहते हैं जब महादेव को गुस्सा आता है तो ब्रह्मांड भी कांप जाता है। जब शिव राजा महादेव राजा को क्रोधित होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, पूरा युग कांप उठता है। कुछ ऐसी ही लगभग कहानी मिलती है जटाशंकर धाम से, पचमढ़ी महादेव जटाशंकर। आपको जाने के लिए कोई भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। पचमढ़ी बस स्टैंड से ही राइट हैंड साइड पे महादेव राजा जटाशंकर की एक छोटी सी रास्ता दिखाई देगी, जिस पहाड़ पे पचमढ़ी कैंट लिखा है, वही तो पहाड़ है जटाशंकर महादेव टनल का। जी हाँ, जटाशंकर महादेव यात्रा स्पेशल आप लोगों के लिए काफ़ी डिमांड थी। जटाशंकर महादेव गुफा बड़ी अद्भुत प्राकृतिक आपको दिखाई देंगी। जटाशंकर महादेव में बस पचमढ़ी बस स्टैंड से उतर के आप पैदल ही लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अपने अपने पैरों से चलकर जा सकते हो। अगर आपके पास पैसे है तो आप मोटरसाइकिल, कार, टैक्सी भी ले जा सकते हो, एकदम फ्री है, मुफ्त है, सरकार की तरफ से यहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, ये चीज़ को आप नोट करके रख ले। अगर कोई पैसा लेता है तो नीचे ऑफिशियल महादेव मेला समिति का मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, हमारा भी एक व्हाट्सअप डाल रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो यात्रियों को हेल्प डेस्क के लिए। महादेव मेला समिति अपना एक ही ऑफिशियल गवर्नमेंट का समिति है, जो पूरा पचमढ़ी महादेव राजा के मेले कवर करती है, हैंडल करती है, मेंटेनेंस करती है। इस अद्भुत पावन लोकेशन पर कई महादेव राजा की निशानियां और यादें भी दिखाई देगी। भोलेनाथ शंकरा की यहां कई सारी आपको मूर्तियां दिखाई देगी, ये सभी मूर्तियां किशन लाल जी ने बनवाई थी, वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें जब तक सूरज चांद है तब तक हमारे बीच रहेगी।
ये अद्भुत भयंकर कठिन पत्थर पे उन्होंने टाक टाक के मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी। इतने महादेव राजा का दीवाना भक्त था। अब तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेगी। लेकिन जो प्राकृतिक गुफा है वो नीचे आपको मिलेगी। यही तो है वो गुफा जहाँ महादेव राजा ने अपनी जटाओं का त्याग किया था। यही वो गुफा है जहाँ एक दोनों पहाड़ के बीच एक बहुत बड़ा कई टन का पत्थर फंसा हुआ है जो आज भी लटका सा है। वही आपको आने वाली है इस वीडियो ट्रेवल फिल्म पार्ट में अद्भुत चीजें दिखाई देगी। यहीं पर एक गुप्त गंगेश्वर का कुंड भी आपको दिखाई देगा और यहीं का पीछे वाला रास्ता सीधे वृंदावन गिरी धाम की ओर भी जाता है। लेकिन आप इस रास्ते से बिल्कुल न जाए क्योंकि आप जंगल में फंस जाओगे। यहाँ एक जानकार आदमी ही चाहिए। याद है आपको कुछ दिन पहले मैंने एक अद्भुत यात्रा ट्रेवल फिल्म दिखाई थी वृंदावन। ये नागदर वाला वृंदावन नहीं है, वहाँ का तो नाम लेते हैं तो थोड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये नॉर्मल वाला वृंदावन है जो कि छोटा महादेव से जाया जाता है। सभी का यात्रा ट्रेवल फिल्म बनाए अद्भुत चमत्कार महादेव राजा का अद्भुत चीज देखने के लिए चैनल पर जाके वीडियो टटोलकर जरूर देखें इस यात्रा पार्ट्स को देखने के बाद। इसी गुफा के अंदर ही महादेव राजा ने अपनी जटाओं का त्याग किया था। अभी तो शिवलीला बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन ध्यान दे, बाकी जितनी भी मूर्तियां मंदिर ये सब हाथों से इंसान द्वारा बनाए गए हैं। इस बात को भी नोट करें, जितने भी जटाशंकर में मूर्तियां और मंदिर है जैसे राम हनुमान सीता मैया, ये हाथों से बनाया वाला है। सिर्फ अब महादेव राजा की एक ही अद्भुत प्राकृतिक गुफा आपको नीचे दिखाई देंगी, सबसे नीचे जहाँ पर नाग फनी के आकार का, ऐसा लगता है शेष नाग के आकार का कई फन का एक आपको नाग फनी मूर्ति दिखाई देगी और एक अद्भुत छोटा सा प्राकृतिक शिवलिंग भी दिखाई देगा। यही तो है वो महादेव राजा का अद्भुत शिवधाम जटाशंकरा। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय भोले, देखते रहिए। और ये वो जो गुफा है अंदर ही अंदर 13 किलोमीटर का जो अंदर गुफा है, ये गई है गुप्त महादेव और वहाँ से आप सीधा जाएगा चौरागढ़ा और वहीं से एक रिटर्न आती है गुफा जो कि आपको जटाशंकर पचमढ़ी में लाती है। तो ये है गुप्त गंगा और ये है वो टनल समथिंग लाइक दिस।
ओके गाइस, तो जटाशंकर महादेव यात्रा लगभग तकरीबन कंप्लीट होते आ रही है। अब मैं इस पूरी टनल पहाड़ी के बाहर निकल चुका हूँ। वैसे तो जटाशंकर पचमढ़ी आने के लिए बहुत पास में है, पचमढ़ी बस स्टैंड से आप आराम से पैदल आ सकते हो, लेकिन आपको सफारी टैक्सी की ज़रूरत है तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में इस टाइप की टैक्सी चलती है, तो आप इस टैक्सी को हायर करके भी यहाँ तक घूमने आ सकते हो। और यहाँ तक टैक्सी आ जाएंगी, उसके बाद आपको ओनली एंड ओनली पैदल यात्रा ही करना पड़ेगा। और इस यात्रा को भी एंड करते हैं। ऑफकोर्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलता हूँ एक नए और बेस्ट ट्रेवल अमेजिंग वीडियो के साथ। हर हर महादेव।